हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में। एंड आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, जो कि ये मिक्स नट की रेसिपी, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आजकल तो हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसी एक हेल्दी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, पैन जैसे ही थोड़ा गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने, और इसमें मैंने 1 कप आलमंड ले लिया है। यहाँ पे आप नट्स की क्वांटिटी जो भी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सही माने तो ये जो आलमंड होते हैं ना, फ्राई करके जो मिक्स नट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे आलमंड ही पसंद है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। कैशू वगैरह उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं, पर क्योंकि मिक्स नट हम बना रहे हैं तो सारे नट्स हम थोड़े थोड़े क्योंकि हमें खाने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ही आलमंड लिया और 1 कप कैश्यूज लिया है, उसे अच्छे तरीके से छील लिया था, क्योंकि छिलके वाले कैश्यूज अगर आपके पास हो तो उसे छील लें। और मैंने इसमें डाल दिया है, और बिल्कुल आपको फ्लेम जो यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है। और ये आपको पता ही होगा कि मिक्स नट कितना टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, और हम उसे मार्केट से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मार्केट से मिक्स नट आते हैं ना, जिसमें मसाले नहीं डाले, मैं किसी में भी मसाला या नमक या कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये सारे मैंने डाल दिया है। मिक्स नट में फ़ायदा ये होगा कि सारे नट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें मिक्स नट में मैंने जो डाला उसमें हेज़ल नट है, काजू है, ये सारे नट्स हैं, तो इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। तो पहले मैंने आलमंड डाला है क्योंकि उसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद ही मैंने सारे नट्स डाले। तो आलमंड को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया, उसके बाद मैं ये सारा नट्स मैंने डाल दिया है। और इन सब नट्स को डालकर हम बिल्कुल 4 से 5 मिनट ही और फ्राई करेंगे। और ये देखिए, इतना फ्राई करने के बाद आपको थोड़ी सी इसमें सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी। ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस हल्की से जो खुशबू आने लगे ना, तो हम उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। और जब हम मसाले वाले नट्स बाहर से ख़रीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हमें, तो अच्छा यही हो कि आप घर पे भी बनाएं और हेल्दी भी हो, और आपको पता भी हो कि उसमें क्या क्या डला हुआ है, क्योंकि बहुत बार क्या क्या चीज़ें डली होती हैं हमें पता भी नहीं होता, और हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसे लगातार हमें चलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, क्योंकि जले ना, क्योंकि नट्स बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। तो याद रखें कि इसे हम चलाते रहें, और ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस तरीके से नट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, नट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप इस तरीके से नट्स का स्नैक्स खाओगे तो आप कोई और स्नैक्स खाना भूल ही जाओगे, क्योंकि एक तो ये हेल्दी होता है, एक टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस हमें इसे फ्राई करना है। और हाँ, आप अपने पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी नट जैसे काजू ज़्यादा खाना पसंद है, या हेज़ल नट ज़्यादा खाना पसंद है, आलमंड ज़्यादा खाना पसंद है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐसे उसे ही लेकर आप फ्राई कर लें और उसका मिक्स नट बना लें। और एक मसाले वाला मिक्स नट जो होता है, आप उस तरीके से आप बना लें। तो ये देखिए, फ्राई हो चुका है, इसमें से आपको खुशबू आने लगेगी सोंधी सी, तो वो आने लगी है इसमें से। और जैसे ही वो खुशबू आएगी, मतलब हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मैंने 5 से 7 मिनट टोटल मैंने 7-8 मिनट पकाया है। और ये देखिए, इसमें किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मैंने इसमें से किसी भी, क्योंकि कुछ कुछ ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो उसमें से किसी भी कलर चेंज नहीं हुआ। हल्का सा काजू, हल्का सा ब्राउन हुआ। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है, तो थोड़ा हम तेल इसलिए डालें क्योंकि जब हम इसमें मसाले डालें तो अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट में मसाले मिल जाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ तेल नहीं डालेंगे और सिर्फ मसाले डालेंगे तो मसाले जो होते हैं वो सारे नीचे चले जाएंगे और ड्राई फ्रूट में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे, लग नहीं पाएंगे, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अभी जो आप देख रहे हो, जो मैंने तेल डाला, उस टाइम मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, बस तेल डाल के, क्योंकि अभी ये गर्म ही है, तो मैंने बस तेल डालकर इसे थोड़ा चलाया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए, कलर कितना सुंदर लग रहा है इसका। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स आप फ्राई करके खाओ, आपको रियली बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाओगे आप, मैं यकीन बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है मसालों में, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है यहाँ पे। और मैं जो भी मसाले बता रही हूँ आपको, वो सारे मसाले डालने हैं तभी ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और बहुत इजीली अवेलेबल मसाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे मैंने जीरा, धनिया और मिर्च का पाउडर मैं इसे फ्राई करके और इसे पीस कर रखती हूँ, तो मैंने वो डाला है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे
पुदीना पाउडर डाला है, पुदीना बिल्कुल सुखा कर। और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब मैं नमक डाल लूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि आपने पहले काला नमक और चाट मसाला डाल रखा है तो नमक की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून ही नमक डाला है। और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फ्लेम आपको ऑफ कर देनी है, क्योंकि अगर एक तो ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, जलने भी लगते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए अगर आप फ्लेम ऑफ करके रखोगे और इसे लगातार चलाते रहोगे तो वह जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। और इस तरीके से हम सारे मसाले मिलाकर हम एक दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम उसे एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे। तो आप ये देखिए, इस तरीके से हम बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी रहती है ये। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पिंच सा काली मिर्च पाउडर लिया है। तो ये सारे मसाले आप ज़रूर डालें और देखिएगा आपकी ड्राई फ्रूट्स जो आपने मसाला ड्राई फ्रूट बनाया वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो हम इसे सर्व कर देंगे। एंड आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।